हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी जय भाई जोरदार को। मूवी में हमारे छबीला एक्टर रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है। तो अपनी बकवास को बंद करते हुए मैं लगता हूँ अपने काम पर और शुरू करता हूँ हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है दोस्तों, और इस फैमिली का बेटा है हमारा हीरो, मतलब के जयेश। जयेश के पिता गाँव के सरपंच है और आज भी ये परिवार पुरानी घटिया सोच के साथ जी रहा है, जो की आज भी बेटा और बेटी में भेदभाव करता है। जयेश के पिता का मानना है कि परिवार का वंश को सिर्फ एक बेटा ही आगे बढ़ा सकता है, इसलिए अब तक जयेश की बीवी की 5 बार एबॉर्शन वो करवा चुके हैं, क्योंकि जयेश के माता पिता को बेटा चाहिए था ना कि बेटी, और इसलिए वो हर बार जयेश की पत्नी का लिंग परीक्षण करवा कर ये पता लगवा लेते थे कि लड़का होने वाला है या लड़की। हालांकि जयेश की एक बेटी भी है जिसका नाम है जिया। जिया को मुद्रा ने सबसे पहले जन्म दिया था क्योंकि ये पहली बच्ची थी, इसलिए जयेश के पिता ने उसे भगवान का आशीर्वाद समझ कर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने किसी भी बच्ची का जन्म नहीं होने दिया। मुद्रा अब 6ठी बार प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने सरपंच को बताया है कि बच्चे के पैर उल्टे होने की वजह से अभी ये बताना मुश्किल है कि लड़का है या लड़की, लेकिन सबके जाने के बाद डॉक्टर जयेश को बता दिए कि लड़की होने वाली है। और अगर मुद्रा को इस बार भी मिसकैरेज हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी है। जयेश बहुत ही अच्छा इंसान है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो अपने माता पिता की तरह सोच नहीं रखता, लेकिन साथ ही वो अपने पिता से बहुत डरता भी है। उसके पिता सालों से इस गांव के सरपंच हैं, लेकिन जब सरपंच के पद के लिए महिला सीट आई तो उन्होंने अपनी बहू मुद्रा को इलेक्शन में खड़ा करवा दिया और इस तरह जयेश सरपंच पति बन गया। लेकिन दोस्तों, सरपंच के लिए गए फैसले भी बहुत उठपटांग होते हैं। जैसे एक दिन एक लड़की सभा में कह रही है कि उसे एक लड़का तंग करता है और बुरे बुरे कमेंट पास करता है। इस पर सरपंच कहते हैं कि वो लड़की बहुत अच्छा साबुन लगाती है, जिससे वो लड़का अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाता है। और इस तरह सरपंच पूरे गाँव को साबुन लगाने और उससे नहाने पर पाबंदी लगा देते हैं। जयेश बेचारा, उसे सब पता होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाता। अब एक दिन जयेश के पिता जयेश को उसकी बहन से वीडियो कॉलिंग करवाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसकी बहन को उसके हस्बैंड ने बहुत मारा है और जयेश की बहन का पति मुद्रा का भाई है। दरअसल इनकी बचपन में ही शादी तय कर दी गई थी और ये एक तरह की एक्सचेंज शादी थी, क्योंकि अगर एक के साथ उसका पति कुछ गलत करता है तो उसकी बहन के साथ भी उसका पति वही सलूक करेगा। क्योंकि अब मुद्रा के भाई ने जयेश की बहन को मारा है तो अब जयेश को भी मुद्रा को मारना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जयेश ऐसा नहीं करता और दरवाजा बंद करके मुद्रा को मारने का नाटक करता है, जिसमें उसकी बेटी और मुद्रा दोनों उसका साथ देते हैं। और जयेश के माता पिता को ऐसा लगता है कि जयेश मुद्रा को बहुत मार रहा है। फिर वो मुद्रा का एक फोटो लेता है जिसमें उसके चेहरे पर नकली खून होता है और ये फोटो वो भेज देता है मुद्रा के भाई को। जयेश अपनी पत्नी की हर जरूरत का ख्याल रखता है फ्रेंड्स, और उसे कार चलाना भी सिखाता है और अपनी माँ से छुपकर उसे सौंप भी देता है, क्योंकि उसकी स्मेल मुद्रा को बहुत अच्छी लगती है। अब एक दिन जयेश को हरियाणा के एक गांव के बारे में पता चलता है कि उस गांव में केवल मर्द ही हैं और वहां लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, और इसलिए अब उनके गांव में एक भी लड़की नहीं है जिससे कि वो शादी रचा सकें। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद वो औरतों की बहुत इज्जत करने लगते हैं और कसम खाते हैं कि ना वो ये अपराध करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। अब जयेश ये समझ जाता है कि यहाँ वो और उसकी फैमिली सेफ रहेंगे, इसलिए वो उसकी फैमिली को लेकर वहाँ जाने का फैसला करता है। लेकिन अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके पिता मुद्रा को फिर डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं, और इसलिए वो अपना सामान वहाँ से पैक करता है और वहाँ से मुद्रा को लेकर भागता है। वो ऐसा प्रेजेंट करता है कि मुद्रा चाकू की नोक पर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जा रही है। अब वो वहाँ से जीप लेकर निकल जाते हैं और रास्ते में जयेश मुद्रा को जीप की चाबी देता है और उसे आगे एक ढाबे पर रुकने को कहता है। वो ढाबा उसके दोस्त का ही होता है। वो कहता है कि वो पीछे आएगा और उसके पिता को रोकने की कोशिश करेगा ताकि वो मुद्रा तक ना पहुंच सके, और मुद्रा जीप लेकर वहां से निकल जाती है। अब जयेश अपने पिता को बेवकूफ बनाता है और वो भी उसकी बातों में आ जाते हैं। इधर मुद्रा ढाबे पर होती है, लेकिन तभी जयेश के पिता ढाबे पर आ जाते हैं। दरअसल जयेश ने अपना सारा प्लान एक कागज में लिखा होता है और वो कागज उसके पिता को मिल जाता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब मुद्रा का आइडिया है। अब वो मुद्रा और उसकी बेटी को खेतों से भागते हुए देख लेते हैं। यहाँ जयेश उनका ध्यान भटकाता है और मुद्रा और उसकी बेटी एक ट्रक में वहां से भाग जाते हैं और अपनी माँ के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पहले से जयेश और उसके पिता मौजूद होते हैं। अब उसके बाबूजी सबके सामने मुद्रा को मारने को कहते हैं। अब जयेश बहुत घबरा जाता है, लेकिन तभी वहां मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जयेश ने पहले ही नींद की दवा अपनी बहन को दे दी थी, जिसने सपी की चाय में उसे मिला दिया था। अब जयेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है और दूर एक कैफे में रुकता है, और यहाँ वो नाइट स्टे भी करने वाले थे। लेकिन कैफे के मालिक को पता चलता है कि मुद्रा के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है,
दरअसल जयेश के पिता को मुद्रा की एक तस्वीर मिल जाती है और वो उसे पूरे गांव में छपवा देते हैं। अब कैफे का मालिक जयेश को रोकता है, लेकिन कैफे की मालिक की बीवी उनको वहां से भागने में मदद करती है। लेकिन बाहर बाबूजी भी आ जाते हैं और वो जयेश को वहां पर बहुत मारते हैं। जयेश अब यहां एक नुकीली चीज को अपने प्राइवेट पार्ट पर रखता है और कहता है कि अगर अब किसी ने मुद्रा और उसे छूने की कोशिश भी की तो वो उसके प्राइवेट पार्ट को काट देगा। इससे उसके बाबूजी बहुत डर जाते हैं और सभी पीछे हट जाते हैं और जयेश उसके बाबूजी की गाड़ी लेकर वहां से सबको लेकर निकल जाता है। अब ये सब उसकी बेटी रिकॉर्ड कर लेती है और फेसबुक पर अपलोड कर देती है। अब रास्ते में मुद्रा की तबीयत खराब होने लगती है और उसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब जयेश मुद्रा को डॉक्टर के पास ले जाता है जहां मुद्रा का मिसकैरेज हो जाता है। अब बाबूजी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। जयेश की ये सुनकर हालत खराब हो जाती है और उसके बाबूजी उसे घर पर ले आते हैं। रात में उसकी माँ उसे खाना खिलाने आती है जहाँ जयेश उनसे कहता है कि पहले उसकी माँ ऐसी नहीं थी, लेकिन यहाँ रहकर वो भी कठोर हो गई है। अब उसकी माँ उसका कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चले जाती है। अब रात में जयेश सबसे छुपकर हॉस्पिटल जाता है और हम देखते हैं कि मुद्रा बिल्कुल ठीक होती है और उसका मिसकैरेज भी नहीं होता। दोस्तों दरअसल ये पूरा नाटक जयेश ने मुद्रा के पिता के साथ मिलकर किया था ताकि जयेश के पिता मुद्रा का पीछा छोड़ दे और फाइनली उनका प्लान कामयाब भी हो जाता है। इधर जयेश की बहन भी उसके घर पर होती है क्योंकि उसके पिता उसे अपने साथ ले आते हैं। अब जयेश की बहन उसे अपने साथ लेकर एक जगह आती है जहां पर बहुत सारी औरतें मौजूद होती हैं और अपनी तकलीफ वो बयान कर बहुत रोती हैं। जयेश सबसे कहता है कि उन्हें इन सबके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन तभी जयेश के पिता वहां पर आ जाते हैं और उसे वहां से थप्पड़ मारकर ले जाते हैं और जबरदस्ती उसकी दूसरी शादी करवाते हैं और उसे घोड़ी पर चढ़वा देते हैं। फ्रेंड्स अब जयेश की बेटी हरियाणा के उन सभी पहलवान को बुलवा लेती है और वो जयेश की मदद करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच उसकी बेटी को पता चलता है कि मुद्रा का डिलीवरी का टाइम आ गया है। अब ये बात वो जयेश की बहन को कॉल कर बताती है और जयेश को भी बताने को कहती है। अब जब ये बात जयेश को पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है और तब उसकी माँ उसकी मदद करती है और उनकी मदद से वो वहां से भाग जाता है। एंड उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर सभी पहलवान प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होते हैं और तभी सरपंच भी अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाते हैं और दोनों के बीच में फाइट होती है जहां सारे पहलवान सरपंच और उसके आदमियों को बहुत पीटते हैं। अब मुद्रा एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म देती है और बाद में जयेश के माता पिता भी उस बच्ची को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद मुद्रा सरपंच बनती है और सबसे पहले वो साबुन पर लगी पाबंदी हटवा देती है जो कि सरपंच ने पहले लगाई थी। एंड फ्रेंड लास्ट में जयेश को उसकी बीवी किस करती है जो कि उसकी बहुत चाहत थी। एंड फ्रेंड्स ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मूवी की अगर बात करें तो ये एक एवरेज मूवी है जिसमें रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग से लोगों को बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।